हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। हमारा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी में कुछ इंपोर्टेंस डेट एंड इवेंट। जैसा कि जानते हैं किस ईस्वी को कौन सा इवेंट हुआ था, कौन सा घटना हुआ था, तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी इंपोर्टेंट डेट एंड इवेंट, ये TDX कोचिंग सेंटर में आप देखेंगे यूट्यूब में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि जो 1731 मैनी पीपल ऑफ द बिश्नोई कम्युनिटी सेक्रीफाइस देयर लाइफ सेविंग ट्री। जोधपुर में बिश्नोई कम्युनिटी जो है मतलब अपना लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिए, त्याग कर दिए ट्री को, यानी पेड़ पौधा को सेव करने में। 1770 में पिछले एक्सपेरिमेंट किया था बेल जार, माइस और मिंट प्लांट और कैंडल को लेकर। 1774 में डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन बाय जोसेफ प्रिस्टले, ऑक्सीजन का डिस्कवरी। उसके बाद आता है 1838 में मैथियस स्लीडेन सेल थ्योरी दिया गया था 1838 में। उसके बाद 1839 में थियोडर स्वान सेल थ्योरी दिए थे। उसके बाद आता है 1850 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले मोर वाइट विंग मोथ, बहुत ही ज़्यादा वाइट विंग मोथ था यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। उसके बाद आता है 1854 में जूलियस वान साक प्रूव किया था कि ग्लूकोज इज फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड एच। उसके बाद आता है 1854 में जूलियस वान साक ने प्रूव किया था कि ग्लूकोज इज फॉर्म इन फोटो, ग्लूकोज फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान एंड स्टोर्ज एज स्टार्च। उसके बाद आता है 1855 में ओमनी सेलुला इज सेलुला बाय रूडोल्फ विर्चौ ने दिया था, कंप्लीट किया था सेल थ्योरी को। उसके बाद आता है 1856 से 1863 में मेंडल वर्क किया था गार्डन पी प्लांट पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1860 में हाइड्रोपोनिक टेक्निक डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, जूलियन वान साक के द्वारा। उसके बाद आता है 1865 में मेंडल पब्लिश किया था अपना काम को, किस कौन काम, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद आता है 1866 में डाउन सिंड्रोम डिस्कवर्ड किया था, किसके द्वारा, लैंगडाउन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंगडाउन के द्वारा डाउन सिंड्रोम डिस्कवर्ड हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1869 उसके बाद नेक्स्ट आता है 1869 में DNA एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था फ्रेंडिक मिजर और टर्म दिया था न्यूक्लियन। नेक्स्ट 1890 फॉसिल्स ऑफ जावा मैन डिस्कवर्ड हुआ था जावा में, जावा एक जगह है जहाँ पे फॉसिल्स ऑफ जावा मैन डिस्कवर्ड हुआ था। उसके बाद आता है हैंकिंग डिस्कवर्ड, और हैंकिंग ने डिस्कवर्ड किया था एक्स बॉडी को इसी समय में 1891 में, जिसमें कि एक्स क्रोमोजोम्स इंसेक्ट में और एक्सोटाइप, हम जानते हैं एक्सोटाइप डिटर्मिनेशन होता है इंसेक्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है 1892 में डिस्कवर्ड तंबाकू मोजैक वायरस TMB वायरस, कौन किया था, DJ आइवनोस्की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का टोटल के टोटल। 1898 में MW बेजर्निक ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि इन्फेक्शियस नेचर ऑफ तंबाकू मोजैक वायरस इन्फेक्शियस नेचर का होता है, ये किसने प्रूव किया था 1898 में, MW बेजर्निक ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्कवर ऑफ गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर्ड किया था गोल्जी बॉडी को। नेक्स्ट आता है रीडिस्कवरी ऑफ मेडल्स वर्क बाय हुगो डिब्रिज ने डिस्कवर्ड किया था किसको, 900 में, कौन जिसको डिस्कवर्ड किया था, वही मेंडल के काम को द्वारा। उसके बाद कार्ल कोरेंस ने भी वही काम किया जो हुगो डिब्रिज किया, टिजरमार्क ने भी वही काम किया। नेक्स्ट आता है 1902 में क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था किसके द्वारा, सुटोन और बोवेरी के द्वारा। 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था प्लांट्स किसके द्वारा, ब्लैकमैन के द्वारा। 1920 में आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर ब्लैक मोथ था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाइट विंग मोथ बहुत ज़्यादा था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक मोथ बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कैसे अफेक्ट किया। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया, किस पे दिया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया पे। नेक्स्ट बात करेंगे हम 1933 में एवेरी मेसीलोड और MC कार्टी ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो कहते हैं, कंक्लूडेड दैट DNA, एक्चुअली ये प्रूफ किए थे MC लोड एंड एवेरी ने, कौन चीज़ के प्रूफ किए थे, जेनेटिक मटेरियल DNA में होता है नहीं, दैट मीन्स DNA जेनेटिक मटेरियल होता है नहीं होता है, इस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट है मेरा 1938 में कोलसेंथ लोब फाइन काउट साउथ अफ्रीका, आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में पकड़ा गया था ये एक्जोटिक वेराइटीज ऑफ फिश, एंसेस्टर एम्फीबिया का एंसेस्टर है यानी पूर्वज है। 1947 में टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस था, जिसमें इंडिया का पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन था 350 मिलियन 350 लाख सॉरी 300
यानी 350 मिलियंस आप कर लेंगे, मतलब इंडियन सिस्टम में क्या होता है। उसके बाद आता है 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, और 1950s में ही क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन तो हुआ ही था और टिश्यू कल्चर स्टार्टेड हुआ था। नेक्स्ट है 1951 फैमिली प्लानिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है 1952 में हर्षी और चेस एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि प्रूव किया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और इसको पूरे हर कोई माना था एक अनइक्वल प्रूफ था, ठीक है। नेक्स्ट है 1953 में डिस्कवर्ड राइबोसोम किसके द्वारा, जॉर्ज पलाडे के द्वारा, स्टेनली मेलर। और 1953 में ही डिस्कवर्ड तो हुआ था राइबोसोम, कौन किया था, जॉर्ज पलाडे ने किया था। और नेक्स्ट है स्टेनली एलमिरर एक्सपेरिमेंट भी तभी हुआ था, इवोल्यूशन का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल भी था जिसने डीएनए में कौन दिया था, वाटसन क्रिक दिया था डीएनए का डबल स्ट्रक्चर हेलिक्स मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ था, 1953 में ही हुआ था। नेक्स्ट है 1958 जो मैथ्यू मिजल ऑफ फ्रैंकलिन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, मैथ्यू मिजलसन ऑफ फ्रैंकलिन स्टॉल एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, NH4Cl भाई आइसोटोपिक मीडियम किया था। उसके बाद प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, यहाँ ये VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि टेलर स्टडी किया था विस्याफोवा प्लांट पे जिसमें कि रेडियो एक्टिव थैमिडीन और प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये शायद आपको सभी को मालूम है कि 1960s के समय में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति 1963 में रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस आइसोलेटेड हुआ था इकोलाइज से। तो चलिए यही था हमारा VVI ऑब्जेक्टिव, और नीचे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो VVI क्वेश्चन है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर लर्न करें इसको, याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको TDX कोचिंग सेंटर।